अच्छी खेला, इसलिए हमारे दो तीन लड़कियों के पैर के भी लगी, फिर भी हमने हिम्मत नहीं हारी और मैदान में भी लगी थी, वो लड़कियां मैदान में रो रही थी, फिर भी हम लोगों ने हिम्मत नहीं हारी, इसलिए हम जीत गए। खो खो 19 वर्षीय छात्रावर्ग जिला स्तरीय प्रतियोगिता में सरदारगढ़ खेड़ा की बालिकाओं ने मारी बाजी, शॉटग्रस्त होने के बाद भी नहीं हारी हिम्मत। सायला उपकंड के भांडापुर के राजकीय खेल मैदान में चल रही जिला स्तरीय खो खो खेलकूद प्रतियोगिता का फाइनल मैच राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय विशाला और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सरदारगढ़ खेड़ा के मध्य खेला गया, जिसमें कड़े मुकाबले से टक्कर लेते हुए सरदारगढ़ खेड़ा की बालिकाओं ने विशाला की टीम को शिकस्त दी। जिला स्तरीय खो खो खेल में फाइनल मैच में जीत हासिल करने के बाद खिलाड़ी बालिकाओं ने खुशी जाहिर की। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि उनके लगातार अभ्यास करने एवं शारीरिक शिक्षक अर्जुन सिंह द्वारा लगातार मोटिवेट करने के चलते सफलता हासिल हुई है। उन्होंने बताया कि टीम की दो बालिका चोटिल होने के बावजूद हिम्मत और हौसला रखती हुई फाइनल मुकाबला अपने नाम किया है। बता दें कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सरदारगढ़ खेड़ा की बेटियां अब खो खो खेल में राज्य स्तर पर खेलेगी। आज का जो मैच हुआ इसमें आप जिले में टॉपर रहे हैं, तो ये आप मैच कैसे जीता, इसमें किसका श्रेय रहा आपको? हमें मैच तीन पॉइंट का अंतर रहा और ये मैच बहुत ही अच्छा हुआ और हमने बहुत अच्छे खेला, इसलिए हमारे दो तीन लड़कियों के पैर के भी लगी, अब फिर भी हमने हिम्मत नहीं हारी और मैदान में भी लगी थी, वो लड़कियां मैदान में रो रही थी, फिर भी हम लोगों ने हिम्मत नहीं हारी, इसलिए हम जीत गए। आप कब से प्रयास कर रहे थे? हम तो मैं जब सातवीं में थी तब से खेल रही हूँ। कौन से विद्यालय से हैं आप? आप मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सरदारगढ़ खेड़ा जालौर से हूँ। विद्यालय में लगातार प्रयास हो रहे थे? नहीं, हाँ प्रयास हो रहे थे, पर हमने सीखा हुआ था तो इतना हमारा प्रयास नहीं हो रहा था, फिर भी हम आगे तक पहुँचते। और हमारे पीटीओ जी सर बहुत ही अच्छे, अर्जुन सिंह जी सर, उनके सपोर्ट से हम बहुत आगे तक जाते हैं। टीम प्रभारी? हमारे टीम प्रभारी अर्जुन सिंह जी सर। आपके साथ कोई महिला शिक्षिका नहीं है? नहीं थे, पर वो आज सुबह उनकी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए वो घर चले गए। मेरे पहले मैच में लग गई थी, फिर भी मैंने आज खेला और पूरी टीम की सपोर्ट से हम जीत गए। आज इतने दर्द होने के कारण भी हम दोनों ने खेला और हार नहीं मानी और जीत गए। बहुत अच्छी लगी, यहाँ का खाना पीना रहन सहन हमें बहुत ही अच्छा लगा, हमें किसी भी का दुख महसूस नहीं हुआ कि उन्होंने हमारे ऐसा नहीं किया, इसलिए मैं बहुत अच्छा रहा। और किसी भी हमें की सुविधा ऐसा नहीं कि हमें इसकी सुविधा उपलब्ध नहीं, हर एक चीज की हर एक स्थान सब जगह हमें बहुत अच्छी सुविधा मिली, चाय पानी सब अच्छी सुविधा सामने हुआ।